हर पूजा पाठ त्योहार पर हम लोग क्या बनता है घर में? पक्का खाना। अब ये कच्चा खाना क्या होता है, पक्का खाना क्या होता है, ये तो आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की रेसिपी के बारे में कुछ बता दूं। आज बन रही है आलू की कचौड़ियां, जो पक्का खाना कहलाती हैं। अब अक्सर आलू की कचौड़ियां बनाते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखिए, जैसे कि या तो ये तेल में डालते ही फूट जाती हैं, फूलती नहीं है, जब आप इन्हें बेल रहे होते हैं तो इनकी स्टफिंग बाहर आ जाती है। तो हमेशा की तरह कैसे ये आलू की कचौड़ियां भी एकदम गुब्बारे की तरह से फूलेंगी। कोई भी कचौड़ी फटेगी नहीं, फूटेगी नहीं, और रोल करते वक्त इनकी स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेगी। इसके लिए कुछ खास नुस्खे हैं ना मेरे पास। ये रेसिपी आने वाले त्योहारों के लिए एकदम परफेक्ट है, आपकी थाली के लिए तो परफेक्ट एडिशन है ये। तो फिर शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं, आलू की कचौड़ियां भी बनाते जाते हैं और कच्चे पक्के खाने की कहानी भी सुनाते जाते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मुझे बना लेना होगा एक डो। अब डो बनाने के लिए ना मैदा नहीं, हम आटे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो आटे में थोड़ा सा मैदा भी मिला सकते हैं, बट बिलीव मी, आटे के साथ भी ये कचौड़ियां ना बहुत ही खस्ता बनेंगी। तो 3 कप आटा ले लिया है मैंने यहाँ पर, और अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। थोड़ा सा रगड़ करके ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से फ्रेग्रेंट हो जाए। 1/2 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम मोयन। मोयन क्या करता है? मोयन देता है खस्तापन आपकी कचौड़ियों को। और उसके लिए कभी भी तेल का नहीं बल्कि घी का मोयन इस्तेमाल कीजिए। और यही है मेरी आज की सबसे पहली टिप नंबर 1 ऑफ द डे। तो कितना घी? तकरीबन 1/4 कप, यानी कि 4 टेबलस्पून के आसपास मैं ले रही हूँ इसमें घी। इस घी को, इस मोयन को आप अच्छे से रब करिएगा। और यही आपकी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इसमें इतने बढ़िया से आपको मोयन लगा लेना है, घी लगा लेना है, ताकि जब आप इसमें लड्डू बांधे ना लाइक दिस, तो वो बिखरना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। यानी अभी थोड़ा सा इसे मुझे और अच्छे से रब कर लेना है। तो चलिए, जब तक ये कर रही हूँ ना, तब तक मैं आपको वो कच्चा खाना और पक्का खाना क्या होता है ये भी बताती हूँ। तो देखिए, होता क्या है कि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि कोई भी खाना जो बॉइल्ड होता है या तवे पे चढ़ा हुआ होता है वो कच्चा खाना होता है। जैसे कि चावल हुआ या दाल हुआ या रोटी हुई, ठीक है। और जो चीज़ फ्राइड होती है या जिसे हम टेम्परिंग करके या छौंक के तड़का लगा के बनाते हैं वो पक्का खाना होती है। जैसे कि राइस की जगह पुलाव, रोटी की जगह पूड़ी या कचौड़ी, और सब्जियां क्योंकि हम हमेशा टेम्परिंग करके ही बनाते हैं तो उन्हें तो पक्का खाना ही माना जाता है। इसीलिए क्या होता है पक्का खाना, क्योंकि प्योर माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। हमारे पूजा में, पाठ में, त्योहारों पे हम पूड़ियां बनाते हैं, रोटी कोई नहीं बनाता, पुलाव बनाते हैं, सादा चावल कौन बनाता है भाई। तो ये है बस सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन कच्चा खाना और पक्का खाना का। अब ये अच्छे से हो गया। ये देखिए, अगर मैं इसका लड्डू बांधती हूं तो ये इस तरह से बंधा रहता है। बस 2 लड्डू टूट रहे हैं ना, इतना काफी है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसको नीड करके इसका एक डो बना लेंगे। अब वो डो कैसा होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पर आप नोट कर लीजिए। अक्सर खस्ता कचौड़ियों के लिए हम डो बनाते हैं बहुत स्टिफ, लेकिन आपकी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे ये कहती है कि कचौड़ियों के लिए आपको बनाना है डो जो होगा सॉफ्ट, आलू की कचौड़ियों के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइए और इसका एक सॉफ्ट सा डो नीड कर लेते हैं। ये देखिए, कम से कम 7 से 8 मिनट इस डो को हमने नीड कर लिया है, और कितना सॉफ्ट डो है ये देख रहे हैं आप, आराम से टूट जाएगा ये देखिए, ठीक है। तो ये सारे जितने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता रही हूँ ना, ये सब बहुत जरूरी हैं ताकि आपकी कचौड़ियां जो हैं वो बिल्कुल फटे नहीं और फूली फूली भी बने। अब अगली टिप ये कहती है कि इस डो को आप रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए, ताकि ये जो आटा है वो अच्छे से ढल जाए। तब तक हम क्या करेंगे,
तब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। अब अक्सर क्या होता है कि आलू की कचौड़ी की जो फिलिंग होती है ना, कभी कभी वो फूटने लग जाती है जब आप उसको रोल आउट करते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप नोट कर लीजिए अपनी अगली टिप, जो ये कहती है कि ये जो गर्मा गर्म आलू है ना, इनको एक छन्नी से आप स्ट्रेन कर लीजिए। ऐसा करने से इसका एक फाइन मैश तैयार हो जाएगा, इसमें कोई लम्प्स नहीं रह जाएंगे और आपकी जो स्टफिंग है ना वो एकदम स्मूथ बनेगी। अच्छा, अब गर्म क्यों होने चाहिए आलू, ठंडे क्यों नहीं ले सकते? वो इसलिए क्योंकि जो ठंडे आलू होते हैं ना, अगर आपने उनको छन्नी से छाना तो वो लेस छोड़ देंगे, और गर्म रहेंगे तो वो लेस नहीं छोड़ेंगे। अब ये देखिए, एकदम फाइन मैश हमारे पास रेडी हो गया है। अगर बीच में आपके आलू ठंडे होने लग जाए ना, तो आप उनको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दीजिएगा, आलू फिर से गर्म हो जाएंगे। अरे लीजिए, ये तो एक और टिप हो गई। तो बस अब आलू डन। अब हमको मिलाने हैं इसमें कुछ मसाले। 2 तरीके हैं, या तो आप सीधे सूखे मसाले इसमें मिला दीजिए, नहीं तो उनको थोड़ा सा ऑयल में रोस्ट करके तब मिलाइए। ऐसा करने से इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा, तो हम भी वही करेंगे। तो अब चढ़ाते हैं एक पैन, और पैन में ले लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, तब लेंगे हम इसमें 1 चुटकी छोटी सी हींग। इसी के साथ ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, जिसे मैंने बिना पानी के पीसा है, एज अ रिजल्ट इसका टेक्सचर जो है थोड़ा कोर्स है। अब कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च मैं इसमें नहीं डालती, फॉर द सिंपल रीजन कि उससे कभी कभी कचौड़ी के फटने का डर रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्चुअली बहुत मैटर करती हैं, कि इनसे फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही आएगा, और इसी के साथ साथ हमारी हर प्रॉब्लम जो हम लेके चलते हैं ना, कहीं कचौड़ी फट ना जाए, अच्छे से फूल जाए, उन सब का भी ध्यान रखते चल रहे हैं हम। तो इसे भी अब हम सौते कर लेंगे जब तक ये अदरक और हरी मिर्च भी फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते। जैसे ही अदरक और हरी मिर्च फ्रेग्रेंट हो जाए, गैस को कर दीजिए बंद। अब ऐड करते हैं इसमें हम अपने सूखे मसाले। तो सबसे पहले तो ऐड करेंगे इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक। अब आप चाहें तो बहुत थोड़ी सी हल्दी भी इसमें ऐड कर सकते हैं एक अच्छे से कलर के लिए। सो दिस इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन हाँ डेफिनेटली। अब गैस तो हमने कर दी थी बंद, लेकिन पैन में तो हीट थी, इसकी वजह से ये मसाले सारे फ्रेग्रेंट हो गए हैं, इनमें बढ़िया सी खुशबू आ गई है, लेकिन हाँ ये जले नहीं हैं। अब ऐड कर देते हैं हम इसमें ये आलू, और इसी के साथ साथ ऐड करूंगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून अमचूर का पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इसको भी पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अमचूर पहले क्यों नहीं डाला था, वो इसलिए कि अमचूर बहुत जल्दी जल जाता है, तो अगर आपके पैन में ज्यादा हीट होगी ना, तो अमचूर के जलने का डर रहेगा। अब आलू के साथ ये इसमें अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, लेकिन जलेगा नहीं। और ये जो बेकिंग सोडा हमने ऐड किया है, जानते हैं ये किस काम आएगा? ये काम आएगा आपकी कचौड़ियों को फुलाने के। मैंने कहा था ना, गुब्बारे की तरह से फूलेगी हर कचौड़ी, तो उसके लिए ये है मेरा खास नुस्खा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि आलू और सारे मसाले जो हैं वो आपस में घुल मिल जाएं। अब इस स्टफिंग को एक बोल में निकाल लेते हैं, फिर बारीक कटी हुई थोड़ी हरी धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे, ताकि वो धनिया का एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए इसमें। एट दिस पॉइंट अपनी स्टफिंग को थोड़ा सा आप टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, इसमें नमक मिर्च खटाई सब थोड़ा चटपटा होना चाहिए, कचौड़ियां बन रही है ना इसलिए। परफेक्ट। अब आटा भी रेस्ट कर चुका है, उसे लेके आते हैं और शुरू करते हैं अपनी कचौड़ियां स्टफ करना। इस डो को 1 मिनट के लिए मैं फिर से और नीट कर लूंगी, ताकि ये थोड़ा सा और लचीला हो जाए, और फिर उसके बाद इसको हम ब्रेक कर लेंगे लेमन साइज बॉल्स में, ताकि हमारी कचौड़ियां जो हैं उन्हें हम फिल कर सकें। देखिए, मैं छोटी साइज की कचौड़ियां बना रही हूँ, अगर आप बड़े साइज की कचौड़ियां बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी लोई काटिएगा। अभी देखिए डो कितना अच्छे से रेस्ट कर चुका है, कितना स्मूद आउट हो चुका है, बढ़िया से ये ढल चुका है। अब इसके हम लोई काट लेते हैं लाइक दिस। अब इसके आप राउंड बॉल्स बनाते जाइए,
और इसके बाद इनको हम थोड़ा सा रोल आउट कर लेंगे और फिर इसकी स्टफिंग भर लेंगे। अब आती है इनमें स्टफिंग भरने की बारी। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, ये जो बॉल्स हैं हमारी जो लोई, आप उसको साइड से अपने फिंगर और थंब से प्रेस करते चले जाएंगे ताकि इसका एक कप शेप बना लें हम। इसमें रखेंगे हम स्टफिंग, आलू की स्टफिंग है, अच्छे से भरिएगा तभी तो कचौड़ी का मजा आएगा ना। तो आई एम टेकिंग अबाउट 2 tablespoons ऑफ स्टफिंग। ब्रिंग दिस टुगेदर लाइक अ बॉल। ऐसा करने से ये स्टफिंग जो है वो फटेगी नहीं, इट विल नॉट कम आउट ऑफ योर कचौड़ी। इसे बीच में रख के पूरा ऊपर तक कवर कीजिए, साइड से इसको पिंच करते जाइए, जैसे गुजिया भरते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही। अब इसको सबको इकट्ठा कीजिए ऑन द टॉप, पिंच कीजिए, टर्न कीजिए। ये टर्न करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से ये आपस में चिपक जाएगा, और ऊपर से थोड़ा सा तोड़ करके निकाल दीजिए। जब आप इसको तोड़ते हैं ना तो वो जो पिंचिंग होती है उसकी वजह से जानते क्या होगा, ये आपस में अच्छे से चिपक जाएगा। अब वंस अगेन रोल इट अप और ये कचौड़ी की बॉल जो है स्टफ्ड रेडी हो गई। ऐसे ही और बना लेते हैं। लीजिए भाई, कचौड़ियां भी हमने सारी भर ली। अब इससे पहले कि हम इन्हें रोल आउट करना शुरू करें, यहां पर कढ़ाई चढ़ा दी जाए तेल गरम करने के लिए। जानती हूं आप तली चीजें खाने से कतराते हैं, ओहो तला हुआ कचौड़ियां कितना ऑयल अब्सॉर्ब कर लेंगी, लेकिन मैं हूं ना हमेशा की तरह, मेरे पास है कुछ खास नुस्खे जिससे कि आपकी कचौड़ियां कम ऑयल अब्सॉर्ब करेंगी। तो देखिए, पहली बात तो ये कि मेरी तरह से सही तेल चुनिए। जैसे मैं यूज करती हूँ इमामी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल, जो इतना लाइट है दैट इट गेट्स लेस अब्सॉर्ब्ड व्हाइल फ्राइंग, और आपकी कचौड़ियां जो हैं वो बिल्कुल ऑयल अब्सॉर्ब नहीं करेंगी। अब इन कचौड़ियों को हम रोल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इनको हाथ से ही फ्लैटन आउट करेंगे। तो जैसे पहले हमने किया था, अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के हेल्प से आप इसे पहले साइड से प्रेस करते जाइए ताकि इसकी शेप वो जो बच्चों की जो फ्लाइंग फ्रिस्बी होती है या UFO होता है ना, उसके जैसी हो जाए। अब इसे अपने पाम के बीच पे रख के आप अपनी पाम के हेल्प से इसे ऐसे प्रेस कर दीजिए, इसे फ्लैटन आउट कर दीजिए लाइक दिस। ऐसे ही और कचौड़ियां रोल आउट कर लेते हैं। अब अगली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है इस तेल का सही टेम्परेचर, यानी तेल का सही तापमान। तो वो कितना होना चाहिए, तेल होना चाहिए गरम? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, तलने के लिए डाले ना तो आपके तेल का टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। गरम तेल में कचौड़ियां बिल्कुल नहीं डाली जाती हैं, और यही बहुत एक इंपॉर्टेंट टिप है जिसे आप नोट कर लीजिए। देखिए इसमें कितनी कम बबलिंग हो रही है, ज्यादा बबलिंग हमें नहीं चाहिए। अगर ज्यादा बबलिंग होगी ना तो इसका मतलब हमारा तेल बहुत गर्म हो चुका है। पहले उसे थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम और कचौड़ियां ऐड करेंगे। अब ये कचौड़ियां डालने के बाद ना 5 मिनट के लिए आप इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए, चलाने की भी जरूरत नहीं है, पलटने की भी जरूरत नहीं है, और आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे ये फूलने लग जाएंगी और ऊपर की तरफ उठने लग जाएंगी। धीमे धीमे सीखते सीखते आप नोटिस करेंगे कि अंडर साइड से आपकी जो कचौड़ियां है ना वो गोल्डन होने लग गई हैं। अब इन्हें केयरफुली आप पलट दीजिए और धीमी आंच पे इनको सिक जाने दीजिए जब तक कि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाती। लीजिए भाई, फर्स्ट बैच ऑफ कचौड़ी तो फ्राई हो गया। अब देखिए, कहा था ना कितनी फूली फूली हर कचौड़ी बनेगी, और इसी के साथ साथ एकदम खस्ता भी है। तो अब नेक्स्ट बैच ऑफ कचौड़ी फ्राई कर लिया जाए। देखा, नो चिपचिपाहट एट ऑल। कहा था ना मेरी तरह से सही तेल चुनिए और सही टेम्परेचर पे कचौड़ियां पकाइए। वैसे इन कचौड़ियों को एंजॉय करने के लिए आपको किसी त्योहार के इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जब मन करे तब बनाइएगा
और मुझे जरूर बताइएगा कि ये आलू की खस्ता खस्ता कचौड़ियाँ आपको कैसी लगी।